तो आप सब ने आकांक्षा का लेटेस्ट वीडियो तो देखा ही होगा दोस्तों। अब उसी वीडियो को लेकर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अपडेट लेकर आए हैं कि आखिर आकांक्षा ने ये वीडियो कब बनाया था, किन हालात में बनाया था। जी हाँ, आकांक्षा की वो दोस्त सामने आई है जिसने आकांक्षा का ये वीडियो बनाया था और उसी ने इस केस में अब तक का सबसे बड़ा भयंकर खुलासा करते हुए बताया है कि आकांक्षा के साथ 25 की रात जो कुछ हुआ उसका प्लान 12 मार्च को ही बन चुका था। जी हाँ, ये बेहद डरावना खुलासा खुद आकांक्षा की दोस्त ने किया है जिसने 12 मार्च की रात आकांक्षा का ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसी दोस्त ने आकांक्षा के साथ हुए अत्याचार की सारी कहानी बताई है, सब कुछ बताया है कि कैसे समर सिंह आकांक्षा को टॉर्चर करता था और उस रात जब आकांक्षा ने वीडियो बनाया तब समर सिंह ने क्या किया था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद तो समर सिंह का बच पाना नामुमकिन है दोस्तों। तो 12 मार्च की उस काली रात को क्या बनाया गया था प्लान, जिसे 25 मार्च को अंजाम दे दिया गया। समर सिंह ने 12 मार्च को आकांक्षा को किस बात का दिया था अल्टीमेटम और कैसे इस पूरे प्लान को किया गया एक्सिक्यूट, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए चैनल के साथ जुड़े, हमारी ताकत बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। तो वाराणसी के सारनाथ में 25 मार्च की रात उस होटल के कमरा नंबर 105 में जो हुआ वो अकल्पनीय था, बेहद खौफनाक था, लेकिन आकांक्षा दुबे इस खौफ में पिछले 13 दिन से जी रही थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आकांक्षा दुबे 13 दिन पहले से इस डर, इस खौफ में जी रही थी। वो जानती थी कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है और इसीलिए ही उसने 12 मार्च की रात को ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था कि उसके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ समर सिंह होगा। समर सिंह उसे खत्म कर देना चाहता है। अब सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आकांक्षा के जाने से ठीक 13 दिन पहले यानी कि 12 मार्च की रात को ये वीडियो बनाया गया था। हालांकि पहले इसे 22 मार्च का वीडियो बताया जा रहा था, मगर अब आकांक्षा के दोस्त ने खुलासा करते हुए बताया कि ये वीडियो 12 मार्च को उसी ने रिकॉर्ड किया था। आपको बता दें कि आकांक्षा ने ये वीडियो पटना में बनाया था जहां वो अपने किसी काम से गई थी। जी हाँ, अब इससे भी बड़ी खबर जिसे जानकर आप गुस्से से भर जाएंगे वो ये है दोस्तों कि आकांक्षा का पीछा करते करते समर सिंह भी पटना पहुंचा था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आकांक्षा लगातार समर सिंह पर अपनी पेमेंट, अपना मेहनताना मांग रही थी, इसका दबाव बना रही थी, तो समर सिंह उसे ब्लैकमेल कर रहा था, ना तो उसकी पेमेंट दे रहा था और ना ही उसे किसी के साथ काम करने दे रहा था। हर तरह से आकांक्षा को घेर रखा था, टॉर्चर कर रखा था। नाम न बताने की शर्त पर आकांक्षा की ये दोस्त सामने आई है और उसने जो भयंकर खुलासे किए हैं उन्हें जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। आकांक्षा की इस दोस्त ने बताया कि उस रात पटना के जिस होटल में आकांक्षा रुकी थी उस रूम में जबरदस्ती समर सिंह घुस आया। वो पूरी तरह से नशे में चूर था। समर सिंह ने आकांक्षा को अपने साथ चलने को कहा और जब आकांक्षा ने मना किया तो समर ने वहाँ हंगामा खड़ा कर दिया, तमाशा कर दिया, आकांक्षा के साथ बेहद गंदा सलूक किया, उस पर हाथ तक उठाया। आकांक्षा ने समर सिंह से साफ साफ कह दिया कि वो अब उसके साथ किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रखना चाहती और ना ही अब उसके साथ मुफ्त में ही काम कर सकती है। मगर समर सिंह तो आकांक्षा को अपनी प्रॉपर्टी समझता था, उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना ही उससे काम करवाकर उसकी पेमेंट देना चाहता था। वो हर तरह से आकांक्षा का शोषण कर रहा था, उसका इस्तेमाल कर रहा था। तो उस रात भी उस राक्षस ने आकांक्षा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, आकांक्षा पर चीखा चिल्लाया, उसे गंदी गंदी गालियां दी और हाथ उठाया, आकांक्षा के साथ मारपीट तक की। उसी रात समर सिंह ने आकांक्षा को धमकाते हुए कह दिया था कि अगर 2 हफ्ते में वो उसके पास नहीं लौटी, उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं लौटी या आकांक्षा ने किसी और के साथ काम किया तो वो उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा, न सिर्फ उसका करियर बर्बाद कर देगा बल्कि उसकी जिंदगी भी नहीं बचेगी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये राक्षस उसी रात आकांक्षा को ये अल्टीमेटम दे चुका था कि आकांक्षा के पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, अगर वो समर सिंह के पास लौट आती है तो वो बच जाएगी और अगर नहीं लौटी तो इन 14 दिनों के अंदर उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी जान तक जा सकती है। और ठीक 13वें दिन उसने सच में आकांक्षा को इस दुनिया से विदा कर दिया, उसकी जान ले ली। अब ये सारी बातें, सारे खुलासे आकांक्षा की दोस्त ने किए हैं। उसी ने बताया कि किसी तरह आकांक्षा ने समर सिंह को उस रात यानी कि 12 मार्च की रात कमरे से बाहर किया। ये सब उसने अपनी इसी दोस्त को उस रात बताया कि समर सिंह ने उसकी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है, वो उसे रोज धमकाता है, डराता है, ब्लैकमेल करता है।
आकांक्षा ने अपनी दोस्त से कहा कि समर सिंह के साथ रिश्ता रखना, उसके साथ काम करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, मगर अब वो अपनी इस भूल के साथ नहीं जी सकती। वो इस टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आना चाहती है, समर सिंह के चंगुल से बाहर आना चाहती है, मगर ये राक्षस उसे ऐसा नहीं करने दे रहा और वो अंदर ही अंदर घुट रही है। आकांक्षा ने अपनी दोस्त को रोते हुए बताया कि वो अब भी उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखना चाहता है, बिना पेमेंट उससे काम करवाते रहना चाहता है और आकांक्षा के मना करने पर वो उसके निजी वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहता है। इतना ही नहीं, आकांक्षा ने अपनी दोस्त को उस रात ये भी बताया था कि समर सिंह उसे आज रात 2 हफ्ते का समय देकर गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आकांक्षा की दोस्त की तरफ से आ रही है कि उस रात ये पापी आकांक्षा को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम देकर गया था और कहकर गया था कि अगर 2 हफ्ते में आकांक्षा उसके पास नहीं लौटती तो वो आकांक्षा का करियर खत्म कर देगा, आकांक्षा की जिंदगी खत्म कर देगा। तो उस रात 12 मार्च की रात ये वीडियो बनाने से पहले आकांक्षा के साथ ये सब कुछ हुआ था, ये सब घटा था और इसीलिए डरी सहमी रोती बिलखती आकांक्षा ने 38 सेकंड के इस वीडियो में अपना सारा दर्द उड़ेल दिया कि अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ये पापी समर सिंह ही होगा। तो एक तरह से उसी रात 12 मार्च की रात ही आकांक्षा को भेजने का प्लान बन चुका था। ये तय हो चुका था कि 2 हफ्ते तक यानी कि 26 मार्च तक अगर आकांक्षा समर सिंह के गंदे इरादों के आगे सरेंडर नहीं करती, उसकी बातें नहीं मानती, उसकी जिंदगी में नहीं लौटती तो उसकी जिंदगी ही नहीं बचेगी। और झुकी हुआ भी ठीक 13वें दिन यानी कि 25 की रात आकांक्षा से उसकी जिंदगी छीन ली गई, उसे खत्म कर दिया गया। और अब जब उस बेबस लाचार लड़की के जाने के बाद ये वीडियो बाहर आ गया है तो अब तो साफ हो गया है कि उसके साथ जो कुछ गलत हुआ, 25 मार्च की रात जो कुछ हुआ, उसकी जान चली गई, तो उन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ये पापी समर सिंह ही है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मच गया है क्योंकि समर सिंह अब तक खुद पर लग रहे हर आरोप को झुठलाता आया है, नकारता आया है। वो हर बार कहता रहा है कि किस बूते पर मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जब आकांक्षा ने कोई नोट कोई लेटर तक नहीं छोड़ा कि मैं उसे किसी भी तरह से परेशान कर रहा था तो क्यों मुझ पर इल्जाम लग रहे हैं। और ये कहते हुए वो बार बार सीना ठोककर खुद को निर्दोष पाक साफ बता रहा था और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा होगा कि आकांक्षा तो चली गई, मगर ये बहुत बढ़िया हुआ कि वो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ गई। अब वो आसानी से इस केस से बचकर निकल जाएगा, मगर अब तो इस वीडियो ने इस पापी के सारे पाप खोलकर रख दिए हैं। इस वीडियो में आकांक्षा साफ साफ कह रही है कि अगर उसे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ समर सिंह ही होगा। तो अब तो ये तय है कि इस पापी पर एक्शन होगा, आकांक्षा का इंसाफ होगा, क्योंकि सुशांत की तरह भारत की इस बेटी के लिए भी फैंस एकजुट हो चुके हैं और उसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं, जान के बदले जान चाहते हैं। तो आपका आकांक्षा की इस दोस्त के खुलासे पर क्या कहना है दोस्तों? समर सिंह के लिए आप क्या सजा चाहते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, बट मैं नहीं रह रही हूँ इस दुनिया में। ये मेरा आप लोगों से लास्ट ऑब्जेक्शन है, मेरा अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। मेरे को अगर कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार समझ लेंगे बस।